दोस्तों, मैं आरडी यादव जाप मंत्र पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। रेलवे का नोटिस है, आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक, कैसे काउंट होगा, उनके लिए यह वीडियो है। और स्पीड और एक्यूरेसी जिसका अभी भी नहीं आ रहा है, उनके लिए भी हम लास्ट टाइम एक टिप देंगे, जिससे वो 2 से 3 दिन में अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, टाइपिंग आप लोग करते रहिए। इसको आइए, इसको देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें। 12 अगस्त से एग्ज़ाम होगा और 3 तारीख को इंटीमेशन आ जाएगा, सबको पता है। टोटल वर्ड 300 टाइप करने, ये बहुत इम्पोर्टेंट दे दिया है, 300 वर्ड टाइप करने हैं। दूसरा है, हिंदी वालों के लिए दिया स्क्रिप्ट क्या क्या होगा, वो मंगल फांट है, कुर्ती देव है। तीसरा है, वहाँ पे सेशन कैसे स्टार्ट होगा। पहले 1 मिनट का आपका वार्म अप रहेगा, SSC में जनरली 2 मिनट का रहता है, 30 सेकंड का ब्रेक रहेगा, फिर आपका 10 मिनट का फाइनल रहेगा, जिसका इवेल्युएशन होगा। तीसरा है कि आप अगर 300 वर्ड टाइप करना है, अगर मान लीजिए आपने 10 वर्ड बीच में छोड़ दिए, 5 वर्ड बीच में छोड़ दिए, तो कंप्लीट होने के बाद दोबारा स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपका 300 पूरा पैराग्राफ ख़त्म हो गया, दोबारा रीटाइप कीजिए, उसको ऊपर से रीटाइप करके उसे कंप्लीट कीजिए। क्योंकि अगर 300 वर्ड टाइप नहीं करेंगे तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। चौथा, ये एरर कैसे कैलकुलेशन होगा, उसे मैं अभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। टाइपिंग स्पीड कैसे कैलकुलेशन होगा, ये एक सिंपल लैंग्वेज में आप सबको बता दे रहा हूँ। स्पीड 30 मांग रखा है और आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं तो 35-40 स्पीड लेके चल ही रहे होंगे। तो जैसे आपने 400 वर्ड टाइप किया 10 मिनट में, 300 पैराग्राफ ही रहता है, 100 वर्ड और आपने टाइप कर दिए, 400 टोटल वर्ड टाइप कर दिया और आपने मिस्टेक किया 40 मिस्टेक कर दिया, इसमें से क्या किया आपने, 20 फुल मिस्टेक है और 20 हाफ मिस्टेक है। हाफ मिस्टेक को डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो ये फुल मिस्टेक में हो जाएगा, तो टोटल मिस्टेक कितना हो गया, 30। आपने 30 वर्ड टोटल 30 मिस्टेक किया है। अब आपको अलाउ कितना है, 5% इसका 5% कितना आ जाएगा, 20 और कितना किया है, 30 में 20 माइनस कर दीजिए, आपका 10 फाइनल जो काउंट होगा मिस्टेक वही होगा। अब फाइनल 10 है, आपको 10 का पेनल्टी भी लगेगा क्योंकि 10 एक्स्ट्रा आपने टाइप एरर कर दिया है, तो 10 × 10 = 100। अब 100 वर्ड माइनस किया जाएगा, 400 में से 100 घटा दीजिए, आ जाएगा 300 और टाइम कितना है, 10 मिनट, आपकी स्पीड आ गई 30 वर्ड पर मिनट। समझ गया दोस्तों, इससे आप पास हो जाएंगे, 30 वर्ड पर मिनट आ गए, आप पास हो गए। आप ये देखिए, 20 फुल मिस्टेक है, 20 हाफ मिस्टेक है, तो इसको फुल मिस्टेक कन्वर्ट करेंगे तो 10 टोटल मिस्टेक, 30 अलाउ कितना है, 5%, 20 मिस्टेक हो गया अलाउ है आपको, लेकिन 10 स्ट्रक किया है तो 10 की पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी लगने के बाद कितना हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा, 100 माइनस कर दिए क्योंकि पेनल्टी है, तो आपका 300 वर्ड आ गया, 300 / 10 आपका 30 वर्ड पर मिनट आ गया, इसमें आप पास हो जाएंगे। हाफ मिस्टेक में क्या क्या, इसे आप ध्यान दीजिए। हाफ मिस्टेक में है कैपिटल, स्मॉल, कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, ये सब आपका काउंट होगा हाफ मिस्टेक में। और फुल मिस्टेक आपको पता ही है क्या है, कुछ भी आप मिस स्पेल्ड करेंगे वो फुल मिस्टेक में आ जाएगा, तो इतना टफ नहीं है जितना लोग बता रहे हैं। आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं, अगर 35-40 स्पीड है तो आपका आराम से 30 वहाँ स्पीड निकल आएगा, 30 प्लस ही आएगा, आप पास हो जाएंगे। अभी तक जिसका स्पीड नहीं निकल के आ रहा है, उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है वो मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको। आपको पहले वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको बताया था कि हर पैराग्राफ में लगभग 30 से 35% जो है कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं, उसको आप नोट करके उसको प्रैक्टिस करना। जैसे यही वर्ड इसी टेस्ट को देख लीजिए, एज, द, इज, द, विद इन, कैन, नॉट, डू, हु, इन, ये सब वर्ड लगभग 30 से 40% तक रहते हैं। आप इन वर्ड इन सब की लिस्ट बनाइए, द, दिस, दैट, दीज, दोज, हु, विच, कैन, कुड, इन सब की एक लिस्ट बनाई, नहीं तो मैं लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ, वहाँ से आप लिस्ट को लेकर के प्रैक्टिस कीजिए। और लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। लगभग 50 to 60 वर्ड हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए,
इससे स्पीड 2 दिन में बढ़ जाएगा। इसकी 2 से डेली 2-3 घंटे प्रैक्टिस कीजिए जो स्पेशल वर्ड हैं। स्पेशल वर्ड करते ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी। एक्यूरेसी में कैसे बढ़ेगी, जैसे आपने द को TEH लिख देते होंगे, इनको NI लिख देते होंगे, हु को WAH लिख देते होंगे, ऐसे ऐसे मिस स्पेल्ट होगा तो आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती होगी और स्पीड भी कम हो जाती होगी। ये सब वर्ड सुधार लेंगे तो एक्यूरेसी हम बढ़ जाएगी और बहुत जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि यही सब वर्ड रहेंगे वहाँ पे भी। तो आप 30 से 35% बढ़ा लीजिए, बढ़ जाएगा। दूसरा है कि आप कंसंट्रेशन बना के टाइप कीजिए तो इससे भी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि वहाँ एग्जाम में आपको घबराना नहीं है। अगर नर्वस होंगे तो आपकी टाइपिंग फंस सकता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग का 2 से 3 मिनट आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर देना है। अगर स्टार्टिंग में आप फंस गए तो आप नर्वस हो जाएंगे, नर्वस होते ही आपका टाइपिंग प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों, आपको आसपास लगेगा बहुत तेज़ लोग स्पीड टाइप कर रहे हैं, आप ही स्लो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप टाइपिंग करके गए 30 से 30-40 तक स्पीड लेके गए तो आप भी वहाँ टाइपिंग कर सकते हैं। तो आप टाइपिंग पे अपना फोकस कीजिए और जो स्पेशल वर्ड हैं उनकी मैं लिस्ट दे रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस कीजिए और पूरा कॉन्फिडेंट रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। और अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका भी 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर ज़्यादा है प्रैक्टिस करता रहे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।